हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम बना रहे हैं साबुत मसूर की दाल, यानी कि छिलके वाली मसूर की दाल, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है और काफ़ी हेल्दी भी होती है। और इसे हम चावल या रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं मसूर की दाल बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसे हम किस तरीके से तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने आधी कटोरी मसूर की दाल ली थी, जिसे मैंने अच्छे से धोने के बाद आधे घंटे के लिए पानी में सोख करके रखा था। ये देखिए, दाल अच्छे से फूल गई है। और इतनी दाल में हम 2 से 3 लोगों के लिए दाल बनाएंगे। 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। प्याज की मात्रा में यहाँ मैंने ज़्यादा रखी है। 7 से 8 लहसुन लिए हैं, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। 2 से 3 हरी मिर्च, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। 1 टुकड़ा अदरक का, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। 1 मीडियम साइज का टमाटर लिया है, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। नमक लिया है, जो कि एज पर टेस्ट रहेगा। आधा चम्मच मैंने हींग ली है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर। आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये ऑप्शनल है, पर इससे बहुत अच्छा कलर आता है। आप चाहें तो इसे अवॉइड भी कर सकते हो। आधा चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है। आधा चम्मच मैंने खड़ा जीरा लिया है। साथ में 2 लाल मिर्च, आधी बड़ी इलायची, 4 से 5 काली मिर्च, 1 टुकड़ा लौंग और 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का लिया है। साथ में 2 बड़े चम्मच देसी घी का लिया है। अब हम दाल बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दाल को बॉईल कर लेंगे। तो एक प्रेशर कुकर लेंगे और इसमें हम डालेंगे दाल। तो मैंने सारी दाल ऐड कर ली है और अब इसमें हम डालेंगे पानी। आधी कटोरी दाल में हम 2 कटोरी पानी डालेंगे और इसके साथ ही इसमें हम डालेंगे नमक। थोड़ा सा हल्दी पाउडर। और इसके साथ ही इसमें डाल लेंगे कुछ बूंदे मस्टर्ड ऑयल की। और अब इसे हम प्रेशर कुक करेंगे। तो दाल को मैंने गैस पर रख लिया है, इसे हम कवर कर लेते हैं। और मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 सीटी आने तक इसे हम बॉयल करेंगे। तीन से चार सीटी हो चुकी है और अब हम गैस का फ्लेम बंद कर लेते हैं और इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और कुकर का प्रेशर भी रिलीज हो चुका है। आइए इसे हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, दाल अच्छे से पक चुकी है। और अब हम दाल के तड़के की तैयारी करेंगे। दाल में तड़का लगाने के लिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख ली है गर्म होने के लिए। और अब इसमें हम डालेंगे देसी घी। घी को गर्म होने देंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है और अब सबसे पहले इसमें हम डालेंगे हींग। साथ ही डाल देंगे सारे खड़े मसाले, जीरा और बाकी खड़े मसाले। इसे लो फ्लेम पे कुछ सेकेंड के लिए सौते कर लेंगे। खड़े मसालों का फ्लेवर घी में आ चुका है और अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटे प्याज, लहसुन और अदरक, साथ में हरी मिर्च। इसे मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। हमें प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, इसे हम हल्का सा लाइट ब्राउन रखेंगे। इसे
इससे हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। प्याज को भूनते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं प्याज हमारी सॉफ्ट हो चुकी है, हल्की सी ट्रांसलूसेंट भी हो चुकी है। और अब इसमें हम ऐड कर लेंगे नमक। नमक हम हिसाब से डालेंगे क्योंकि हमने पहले भी नमक डाला था दाल को बॉईल करते समय। और इसके साथ इसमें ऐड कर लेंगे हल्दी पाउडर। इसे मिक्स कर लेंगे। तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम ऐड करेंगे इसमें टमाटर। और टमाटर को भी हम प्याज के साथ मीडियम टू हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। टमाटर को भूनते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि टमाटर गल चुका है, ये सॉफ्ट हो चुका है। और अब इसमें हम ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, साथ ही ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर। ये मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम लो रखेंगे। जैसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब इसे हम ऐड करेंगे दाल, इसे हमने बॉयल किया था। तो यहाँ पे मैंने सारी दाल ऐड कर ली है। इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब इसे हम ऐड करेंगे पानी, क्योंकि दाल बहुत गाढ़ी है इसलिए हम थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे, आधी कटोरी करीब। इसे मिक्स कर लेंगे एक बार। जैसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब इसे हम ऐड करेंगे धनिया की पत्ती। इसे मिक्स कर लेंगे एक बार। तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए इसे कवर करके पकाएंगे। तो इसे मैंने कवर कर लिया है और गैस की फ्लेम हम लो कर लेंगे। 1 मिनट हो चुका है, आइए इसे हम चेक कर लेते हैं। हमारी दाल बन के तैयार है। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर लेते हैं और इसे अब हम सर्व करेंगे। तो इसे मैंने सर्व कर लिया है और अब इसे हम गार्निश कर लेते हैं धनिया की पत्ती से। अदरक के स्लाइसेस, तो फ्रेंड्स बन के तैयार मेरी साबुत मसूर दाल। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।